नर्मदा नदी पर तैयार हो रहे घाट के निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। आगामी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे घाट का उद्घाटन, होगी महाआरती। नर्मदा घाट पर कई समय से भारती बापू का आश्रम संचालित। चल रही तैयारियों को लेकर आश्रम के अनुयायी अजय भाई से इंडिया खबर लाइव टीम ने की विशेष बातचीत। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास के साथ शंकर भाई तड़वी की एक रिपोर्ट। जी हां, गुजरात के गोरा गांव स्थित घाट का उद्घाटन आगामी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु घाट के निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें, यहां पर कई समय से भारती बापू का आश्रम संचालित है। नर्मदा नदी पर तैयार हो रहे घाट को लेकर व प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारती बापू आश्रम के अनुयायी अजय भाई से इंडिया खबर लाइव टीम ने की विशेष बातचीत। नर्मदा जिले के गोरा गांव के नजदीक घाट का काम चल रहा है, जो काम बहुत तेजी से हो रहा है और कुछ ही दिनों में यह घाट पूरी तरह से तैयार होने वाला है। जी, इस वक्त हम यहाँ पर नर्मदा नदी के घाट पर उपस्थित है। हमारे साथ यहाँ पर ये जो घाट था, वहाँ पर बहुत समय पहले भारती बापू का आश्रम भी कार्यरत था, जहाँ पर अलग अलग की कई सारी प्रवृत्तियाँ हो रही थी। आज हमारे साथ यहाँ पर भारती बापू के निकट के अनुयायी और सेवक अजय भाई उपस्थित है। हम इसी नर्मदा घाट के बारे में और भारती बापू आश्रम को लेकर अजय भाई से थोड़ी बातचीत करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे। अजय भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खास करके देखा जाए तो यहाँ पर नर्मदा नदी पर ये घाट की कामगिरी जो हो रही है और यहाँ पर कई समय से भारती बापू का आश्रम भी कार्यरत था, तो इस आश्रम की शुरुआत कब हुई? सर, वो नर्मदे हर ये आश्रम यहाँ त्यागी बापू करके एक संत थे, यहाँ रहते, तब उन्होंने यहाँ भी तपस्या उन्होंने किया। तब जब वो त्यागी बापू विलीन हुए, तब हमारे जो श्री महामंडलेश्वर ये ब्रह्मलीन परम पूज्य विश्वमर भारती बापू को ये आश्रम का पूरा संचालन दे दिया। और तब यहाँ पर कुछ नहीं था, जब पूज्य भारती बापू यहाँ रहते और पूरा यहाँ उन्होंने ये आश्रम को बड़ा बनाया और बहुत बड़ा विकास भी किया। यहाँ भजन और भोजन करते बापू से। यहाँ आश्रम में कैसी कैसी सेवाएँ उपलब्ध की जा रही है? यहाँ पर जो पदयात्री है, जो परिक्रमावासी है, उनको यहाँ भोजन और भजन की यहाँ व्यवस्था की गई है और यहाँ रहने की भी। खास करके देखा जाए तो यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे पर ये घाट जो तैयार होने जा रहा है, तो यही घाट की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अपने भारत देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब यहाँ का विहार करने निकले, तब उन्होंने यहाँ घाट के नीचे सबको स्नान करते देखा और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर घाट बनाने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। तब उन्होंने घाट बनाने की शुरुआत उनकी प्रेरणा से हुई। खास करके देखिए भाई, तो आप बापू के सबसे निकट के सेवक हो और अनुयायी हो, तो बापू जब ब्रह्मलीन हुए थे तब उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? परम पूज्य महामंडलेश्वर भारती बापू जब विलीन हुए, तब मैं उनके साथ ही था और उनकी अंतिम इच्छा भी ऐसी थी कि जो ये भारती बापू जो घाट है उसको नामकरण किया जाए। पर उन्होंने ऐसा भी गुरुमती साहब अपने जो अमित शाह साहब है उनसे भी बात की थी कि घाट बनना चाहिए, और अपने भारत देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब को भी उन्होंने बात की थी कि घाट बनना चाहिए। नर्मदा नदी पर ये जो घाट जब तैयार हो जाएगा, तब यहाँ पर किस तरह की प्रवृत्तियाँ की जाएगी और नर्मदा घाट का क्या महत्व है? नर्मदा मैया का तो महत्व सब जानते हैं कि नर्मदा मैया का स्नान करके अपना जीवन का धन्य मान सके। नमामि देवी नर्मदे, ऐसा आपने सुना होगा। यहाँ अपने आद्य गुरु शंकराचार्य की भी तपस्या है और यहाँ पर रंग अवधूत महाराज भी नर्मदा मैया किनारे है और उन्होंने भी यहाँ पर उनका महत्व सबको दिया। तो यहाँ पर ऐसा है कि नर्मदा जब घाट बनेगा तब यहाँ पर लोग दूर दूर से स्नान करने आएंगे और यहाँ महाआरती भी होने वाली है।
अपने भारत देश के वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब आने वाले हैं यहाँ महाआरती करने के लिए। भारती बापू ने उनके समय पर यहाँ पर किस किस तरह की तपस्या की? भारती बापू यहाँ रहते तो यहाँ नीचे वो स्नान करते, यहाँ पर रहते और हमेशा सबको यहाँ भोजन कराते और भजन कराते। यहाँ पर ऐसा नज़ारा भी है कि भारती बापू ने हमेशा अपना मन यहाँ पर ही लगाया कि अंतिम इच्छा भी उनको नर्मदा मैया किनारे रहने की थी, इसके लिए उन्होंने ये घाट का जो बात है वो बड़ा प्रधान मोदी साहब को भी उन्होंने बताई थी कि यहाँ घाट बनना चाहिए। इसी नर्मदा घाट को लेकर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को ऐसा संदेश देना चाहिए कि इतने भारती बापू इतने बड़े संत थे और इनकी इच्छा भी ऐसी थी कि यहाँ पर बड़ा घाट बनना चाहिए, और उन्होंने ऐसा भी सोचा था कि यहाँ पर ये जो नर्मदा मैया है वहाँ दूर दूर से लोग स्नान करने आएंगे और अपना जीवन का धन्य करेंगे। आप बापू के सबसे निकट के सेवक और अनुयायी हो, तो इसी घाट को लेकर आपकी क्या मांग है? हमारी इस घाट की जो बात है तो हमारे जो श्रीमंत परम पूज्य हरिहरा भारती बापू ने भी कहा है कि जो घाट है वो अपने गुरुदेव की प्रेरणा थी, ये भारती बापू का जो नाम था वैसे ही घाट का नाम भारती बापू घाट नाम पड़े। तो ये थे हमारे अजय भाई जो कि भारती बापू के सबसे निकट के अनुयायी और सेवक है, और इसी घाट को लेकर उनके अनुयायियों की भी यही मांग है कि इसी घाट का नाम भारती बापू घाट नाम दिया जाए। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।